हरे कृष्णा राधे राधे। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम अपने ठाकुर जी के लिए बनाएंगे मथुरा के फेमस पेड़े। बहुत ही आसान है बनाने में, खाने में बहुत स्वाद, सेहत के लिए अच्छे और हमारे ठाकुर जी के पसंदीदा। हम बिहारी जी जाएं और कभी पेड़ों का प्रसाद ना ले, ये तो हो नहीं सकता। तो आज हम देखते हैं किस तरह आसानी से हम घर में ही मथुरा के फेमस पेड़े बना सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होती। अगर आप चाहें तो घर में ही बढ़िया गाय के दूध का मावा बनाकर, मतलब खोया बनाकर उसके पेड़े बना सकते हैं, और वरना बाजार से बना बनाया खोया लाकर उसके पेड़े भी बना सकते हैं। आप ये देखेंगे जो खोया आप लेकर आए वो दानेदार होना चाहिए। जितना अच्छा खोया होगा उतना बढ़िया पेड़े बनेंगे। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए खोया। हमने लिया है 250 ग्राम और इसको हमने कद्दूकस कर लिया है। इसी के साथ हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, ये हमने ली है 150 ग्राम। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप बूरा भी ले सकते हैं, बट मोटा, बारीक बूरा नहीं लेंगे, मोटा बूरा लेंगे। इसी के साथ हमें चाहिए घी 1 बड़ा चम्मच और इलायची पाउडर थोड़ा सा खुशबू के लिए। बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर घी डाल लेंगे। अब इसके अंदर जो मावा हमने, जो खोया हमने ग्रेट करके रखा था उसको डाल लेंगे। अब इस खोए को हम बराबर चलाते रहेंगे। अगर आपको वाकई बहुत बढ़िया पेड़े बनाने हैं तो इसको लगातार चलाते रहिएगा। कई बार क्या होता है, हमने ये भुनने के लिए रखा, मंदी आंच पे इसको भूनना होता है तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो हम क्या करते हैं साथ साथ अपने काम करते रहते हैं। बट उसमें क्या होगा, ये जलेगा नहीं, बट नीचे से क्या होगा, जैसे जिस साइड की तरफ से होगा उसमें मोटे मोटे दाने आ जाएंगे, जो आपका टेक्स्चर, आपका कलर पेड़ों का अच्छा नहीं देगा। हमें इसमें एक जैसा कलर चाहिए। अब इसको लगातार हम भूनते रहेंगे, खूब बढ़िया लगातार चलाते चलाते भूनते रहिए। अगर बीच में हमें मावा, ये जो हमारा खोया है, ये सूखा लग रहा है तो इसमें हम 2 टेबलस्पून दूध डालेंगे। इसको लगातार चलाते रहेंगे, दूध के सूखने तक इसको भूनते रहेंगे। ये हमारा मिश्रण है, ये बिल्कुल सूखा दानेदार नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा हमारा पानी, मतलब हल्का सा, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, बहुत हल्का सा। इसीलिए इसमें हम सिर्फ 2 चम्मच दूध डाल रहे हैं। जो हमारा बहुत बढ़िया वाला खोया होता है ना, उसमें अपने आप मॉइस्चराइजर होता है, तो उसके अंदर हमें दूध डालने की जरूरत नहीं रहेगी। जब आप उसको चलाएंगे ना तो आप उसकी फॉर्म देखकर ही आपको पता चल जाएगा। हमारा खोए के बहुत अच्छे से भुनने के बाद हम गैस बंद कर देंगे, लेकिन गैस बंद करने के बाद भी हम इसको हल्का चलाते रहेंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है। अगर हम उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो जो हमारा नीचे का हिस्सा है वो ज्यादा तेज लाल हो जाएगा, जो हमारे पेड़ों को बहुत अलग अलग कलर दे देगा, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ी देर इसको चलाते रहेंगे गैस बंद करने के बाद भी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए कि हम हाथ लगा सकें उस मिश्रण को, तब इसके अंदर हम अपनी चीनी, जो पिसी हुई हमने चीनी ली है वो, या जो हमारा मोटा बूरा है वो हम इसके अंदर मिला देंगे। इसी के साथ हम इलायची पाउडर मिला देंगे। अब हमारा पेड़े बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। एक बात याद रखिएगा, मावा बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। जब ये हल्का गर्म हो तभी इसके पेड़े बना लीजिए, वरना आपका ना बाद में वो मावा खिला खिला हो जाता है तो पेड़े अच्छे से बन नहीं पाते हैं। अब इस मिश्रण को हम हाथ में लेके गोल करके देखेंगे, हाथ से दबाकर पेड़ों का आकार देंगे। स्वाद में लाजवाब मथुरा के पेड़े तैयार हैं। मावा को हमने बहुत अच्छे से भूना है तो इसलिए ये सूखे होते हैं, इसलिए इन पेड़ों को हम फ्रिज में रखकर आराम से लंबे समय तक खा सकते हैं। जब हम अपने ठाकुर जी के लिए छप्पन भोग तैयार करते हैं तो इस तरह की चीजें जो हम आराम से पहले छोड़ सकते हैं, जैसे हमारी धनिये की पंजीरी होती है, हमारी मगज की या नारियल की बर्फी होती है, इस तरह मावा, इसके मावा के पेड़े होते हैं, इनको हम एक दिन पहले बना के रख लेते हैं ताकि अगले दिन हम ठाकुर जी को छप्पन भोग का प्रसाद लगा सकें। जब हम गाय के दूध से पहले खोया बनाकर घर में और फिर पेड़े बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा रंग आता है उसका। उसके अंदर वो हमें एक्स्ट्रा दूध या घी डालने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर नेचुरली बहुत अच्छा होता है।
कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके पास नॉनस्टिक कढ़ाई हो तो इसको उसमें बनाएं, क्योंकि ये थोड़ा नीचे लग जाता है, इसको भूनते समय ना नीचे लग जाता है। और जब अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाएंगे तो इसमें मेहनत भी कम होती है भुनने में, वो आराम से अपने आप ही बहुत हल्का हल्का हिलाने पे भी वो आराम से भुनता रहता है। मैं उम्मीद करती हूँ इस रेसिपी को आप इसी जन्माष्टमी पे ट्राई करेंगे, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने, ठाकुर जी को कैसे लगे, प्रसाद में आपने बांटे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।